जय हिंद दोस्तों, हैदर जोश के साथ आज आपको बताने वाले हैं ऑल ओवर इंडिया के लिए बहुत अच्छी वैकेंसीज आई हुई है। इस वीडियोस को अंत तक देख लेना, आपको कैसे कैसे फॉर्म को भरना है। ऑल ओवर इंडिया के सभी बच्चे अप्लाई कर सकते हैं जिनका एज 18 से लेकर 30 साल तक है, सभी बच्चे भर सकते हैं। हमारे इंडियन तटरक्षक के भारतीय तटरक्षक के अंतर्गत वैकेंसीज आई हुई है ट्रेडमैन पोस्ट को लेकर, ग्रुप सी और डी कर्मचारी, सफाई कर्मचारी, आपका और भी कर्म जो धोबी है, अटेंडर है, बहुत सारी वैकेंसीज इसमें देखने को मिलेगा। तो यदि इस वीडियो को पूरा अंत तक देखेंगे तो सारी चीजें समझ में आएगी और लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है कैसे फॉर्म को डाउनलोड करना है, कैसे कैसे भरना है, कौन से डॉक्यूमेंट लगने वाले हैं। प्लीज वीडियोस को अंत तक जरूर देखेंगे, आपको सारी चीजें समझ में अच्छे से आएगी, ठीक है। तो पहले वीडियोस को, यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे आने वाली सारी नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। बच्चे आज मैं आपको बताने वाले हैं इसकी पोस्ट, वो मैं बता दूं इसकी क्वालिफिकेशन 10th पास है। यदि आप 10th पास कर रखे हैं तो बिल्कुल आप अप्लाई कर सकते हैं, यदि आपका हाइट 157 सेंटीमीटर 157 सेंटीमीटर है तो, ठीक है। अब मैं बात करूं इसमें क्या क्या प्रक्रिया होगा कि आप हम अप्लाई कर सकते हैं। सबसे पहले पास, आपके पास 10th पास सर्टिफिकेट होना चाहिए, आपके पास आईडी प्रूफ कार्ड मतलब पैन कार्ड या आधार कार्ड होना अनिवार्य है। इसके बाद आपके पास बैंक पासबुक या किसी तरीके का खाता होना चाहिए, नहीं है तो भी चलेगा। इसके बाद आपको क्या क्या भरना, टोटल डॉक्यूमेंट का जितना भी डॉक्यूमेंट आपके पास क्वालिफिकेशन का है ये सारी फोटोकॉपीज लेके रखना है और इसमें सब में सेल्फ अटेस्टेड करना है, ठीक है। क्या क्या इसमें सारे डॉक्यूमेंट आपने ले लिया, सारे डॉक्यूमेंट लेने के बाद आपकी जो क्राइटेरिया है वो मैं बता दे रहा हूँ। आपकी क्राइटेरिया क्या क्या होगी वो मैं बता देता हूँ। एज लिमिट अगर यू आर में जनरल में है तो 18 से 25 साल, ओबीसी में 3 साल छूट मिलेगा 18 से 28 साल तक, और एससी एसटी में 18 से 30 साल तक है तो, ठीक है। अब मैं बात करूंगा कि इसकी सिलेक्शन प्रक्रिया क्या है। सिलेक्शन प्रक्रिया है 1 घंटे का पहले एग्जाम होगा जिसमें 50% मार्क्स आपको लाना पड़ेगा, 90 क्वेश्चंस होंगे, ठीक है। 90 क्वेश्चंस होंगे, 1 घंटा का टाइम दिया जाएगा, 90 क्वेश्चंस, इसमें 50% मार्क्स आपको लाना है। बहुत ही इजी प्रक्रिया का क्वेश्चंस होता है हमारे द्वारा, लगता है मेरे ख्याल से जितने भी मैथमेटिक्स में बोर्ड मास या भारत की राजधानी कहाँ है ये सारी चीज़ें अगर आपको आती होगी, 100 सी बात है आप 70 से 80 नंबर क्वेश्चंस कर लेंगे, ठीक है। मैं बात करूं कि इसकी रनिंग, इसके बाद अगर आप ये क्वालिफाई करते हैं इसके बाद आपकी रनिंग होगी 1600 किलोमीटर की, 1600 मीटर की, जिसमें 7 मिनट आपका टाइम दिया जाएगा, 20 उठक बैठक होगा और 10 पुशअप्स होंगे, ये हमारा फिजिकल एफिशिएंसी। इसके बाद आपका मेडिकल, देन आपका मेडिकल होगा। मेडिकल बहुत ही इजी होता है, तो यदि ऑल ओवर इंडिया के बच्चे अगर किसी तरीके का आपको प्रॉब्लम है तो प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे, आपका सॉल्यूशंस बताएंगे। और ये सारी चीजें हैं, फॉर्म कैसे भरना है मैं बता देता हूं। एनवेलप लेना है A4 साइज का, A4 साइज का अगर आप एनवेलप लेते हैं तो इसमें क्या करना है, 2 A3 या A2 साइज का इसमें डाल देना एनवेलप, सभी में अपना एड्रेस डाल देना है सभी में, ठीक है। इसके अंदर आप इनवेलप में क्या करेंगे, एक इनवेलप में ये टोटल डॉक्यूमेंट आप ले लेंगे और आपको ये दिख रहा होगा, ये आपको निकाल लेनी है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। इसमें आपको क्या क्या भरना है, आपका नाम, आप मैट्रिक कहाँ से किए थे, कब किए, पास किए हैं, कितना परसेंटेज आए, वो आपका एडिशनल सर्टिफिकेट है, क्वालिफिकेशन है तो, और सारी डिटेल्स को भरने के बाद आप ये अपना फोटो चिपका लेंगे, फोटो के ऊपर सेल्फ अटेस्टेड कर लेंगे। सारी प्रक्रिया कंप्लीट करने के बाद सारे डॉक्यूमेंट को एक में पिनअप करके और इनवेलप के अंदर डाल देंगे और इस एड्रेस पर आपको सेंड कर देना है। कब तक सेंड करना है, 15 अप्रैल के पहले पहले सेंड कर देना है। क्या है तो यहाँ आपका भरने का, ऑल ओवर इंडिया के बच्चे हैं, द प्रेसिडेंट EF रिक्रूटमेंट बोर्ड, इंडियन कोस्ट गार्ड, एयर स्टेशन एयरपोर्ट रोड, नानी दमन, 396210 पिन कोड है। फिर से समझ लेना, द प्रेसिडेंट EF रिक्रूटमेंट बोर्ड, इंडियन कोस्ट गार्ड, एयर स्टेशन एयरपोर्ट रोड, नानी दमन, 396210 ये हमारा पिन कोड है। आप ये सारी प्रक्रिया को भर लेंगे। आप क्या करेंगे, सबसे ऊपरी वाले जो हिस्सा होगी, जो A4 साइज की जो ऊपरी वाली जो आपका फॉर्म भरने वाला, इसमें क्या करेंगे, यहाँ पे आप अपना एड्रेस देंगे, यहाँ पे अपना लिखेंगे एड्रेस जो भी है, टू जहाँ से आप भर रहे हैं, अपना नाम पूरा टू जेड और फ्रॉम कहाँ पे भेजना है ये यहाँ पे आप लिख लेंगे, ठीक है। ये वाला एड्रेस यहाँ पे पोस्ट करेंगे, चिपका देंगे। और ऑर्डिनरी पोस्ट से भेजना है, मैं आपको बता देता हूँ, कोई भी आप स्पीड पोस्ट या ये सब चीज़ नहीं करिएगा, ऑर्डिनरी पोस्ट भेजिएगा, आप बता देगा कितना लेगा, 25-30 रुपये का टिकट जो भी लगेगा वो बता देगा, ऑर्डिनरी पोस्ट से ही भेजना है। ये सारी डिटेल्स मैं आपको बता दिया हूँ, तो आई होप सारी चीज़ें अच्छे से समझ आया होगा। अच्छे समझ आएगा तो वीडियोज को प्लीज़ लाइक करना और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।